दोस्तों पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईंधन की प्राइस पर बड़ा अपडेट देखिए आप। महंगाई अभी तो और रुलाएगी। पिछले 15 दिन में पेट्रोल 9 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ और इस पेट्रोल की महंगाई के चलते माल भाड़ा 16% तक बढ़ने की आशंका है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ जाएगा। आपका टेम्पो किराया, कैब, ट्रक, माल ट्रांसपोर्टेशन, यात्री बसों का किराया तक भी पेट्रोल डीजल की महंगाई होने के चलते बढ़ जाएगा। आज भी पेट्रोल और डीजल के रेट में तगड़ी बढ़ोतरी हुई। अब तक 9 रुपए 20 पैसे तक रेट बढ़ गए और वो भी कितने दिन में, पिछले 15 दिन में। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, पेट्रोल डीजल की महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा झटका दिया है। आज भी पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हुए हैं, आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है। देश के अधिकतर शहरों में, अधिकतर जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। हालात ये चल रहे दोस्तों कि कई जगहों पर तो डीजल भी 100 के पार चला गया। देखिए आप, बिहार पटना से लेकर मुंबई तक डीजल भी 100 के पार चल रहा है। आज भी पेट्रोल के दामों में 85 पैसों की बढ़ोतरी हुई और डीजल के दाम 75 पैसे तक बढ़े हैं। अभी देश के बड़े बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में अभी डीजल 91 रुपए 47 पैसे, पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। मुंबई में डीजल 99 रुपए 25 पैसे, पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। कोलकाता में डीजल 94, पेट्रोल 109, चेन्नई में डीजल 96, पेट्रोल 105 और भी कई शहरों में पेट्रोल और डीजल दोनों जो है वो 100 के पार चले गए। अब देखिए, मतलब आम आदमी तो गाड़ी के टिक लगाने के पहले भी डर रहा है, चाबी घुमाने से पहले भी डर रहा है कि कहीं टंकी खाली तो नहीं, तेल भरवाना पड़ेगा। अभी बहुत हेजिटेशन महसूस होती है गाड़ी चलाते समय भी, राइट। अब सरकार को जरूर इस पर कोई न कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हालांकि एक राहत की बात है, हाल ही में आपको पता होगा देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार की टेस्टिंग की थी, हाइड्रोजन फ्यूल से। उस कार का माइलेज भी काफी अच्छा होगा और हाइड्रोजन फ्यूल पड़ेगा भी सस्ता, तो सरकार इस पर जोरों शोरों से काम कर रही है। कल ही 3 और कंपनियों ने हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, देश में नई पहल करने के लिए 3 कंपनियों ने एक साथ काम करने की प्लानिंग बनाई, साझेदारी की है, जिसके बारे में अपडेट मैंने आपको आज सुबह डीएलएस न्यूज के ऊपर भी बताया था, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर देश में 3 दिग्गज कंपनियां एक साथ आई है और इससे जो देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का सपना है कि देश में हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा मिले, उस सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन कंपनियों में एक तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शामिल है, एक लार्सन एंड ट्रूबो और एक रेन्यू पावर कंपनी शामिल है। ये तीनों कंपनियां मिलकर देश में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि बहुत जल्द अगले कुछ ही सालों में पेट्रोल और डीजल ईंधन जो है वो गाड़ियों में हाइड्रोजन ईंधन से रिप्लेस हो जाएगा। और अब तो सरकार ये भी नियम बनाने जा रही है कि जो आने वाली भविष्य की कारें, बाइक, गाड़ियां वगैरह होगी ना, वो मल्टीपल फ्यूल से चलने वाले इंजन की गाड़ियां मार्केट में लॉन्च करनी पड़ेगी कार कंपनियों को। मतलब अलग अलग तरह के फ्यूल से चल पाएगी, वो हाइड्रोजन से भी चल पाएगी, पेट्रोल डीजल से भी चल पाएगी, तो मल्टीपल फ्यूल के ऑप्शन मिलेंगे आपको इंजन में भी बहुत जल्द। तो काफी कुछ सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल आम आदमी के लिए तगड़ा झटका ही है। पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ती जा रही है, देखते हैं इस पर आगे जो भी और बड़ी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। जुड़े रहेगा आप हमारे साथ, हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।